बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। जम्मू के राजौरी में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले में हमारे 3 जवानों की शहादत की खबर सामने आ रही है। राजौरी में आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों की ओर से यह हमला किया गया, इसके बारे में और डिटेल का हमें इंतजार है। अपने आप में बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला। लगातार आतंकवादियों की कोशिश है कि वहां पर अस्थिरता पैदा की जाए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास के कामकाज हो रहे हैं वहां पर शांति और स्थायित्व आ रहा है, लेकिन यहां पर आतंकवादियों ने हमला किया और इस आतंकी हमले में 3 जवानों की शहादत की खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की ओर से लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों ने यह बड़ा हमला किया है जिसमें हमारे 3 जवानों की शहादत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है आतंकवादियों की ओर से, उसके बाद सेना ने भी कमान संभाल लिया। दोनों ही तरफ से मुठभेड़ लगातार जारी है। राजौरी से ये बड़ी खबर और वहां से जो तस्वीरें भी सामने आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस आतंकी हमले में 3 जवानों की शहादत की खबर अब तक सामने आ रही है। सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये आतंकवादी हमला हुआ, 3 जवान शहीद हुए हैं जबकि 3 जवान घायल हैं, उनको स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादियों के हमले में हमारे 3 जवानों की शहादत हुई है। जो 3 घायल हुए हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, अभी क्या हालात है, इस खबर के बारे में डिटेल में जानकारी दें आप। जी बिल्कुल, ये दुखद समाचार आया है। ये जो सीमावर्ती जिले हैं राजौरी और पुंछ, चूंकि ये दोनों जिले सटे हुए हैं तो राजौरी और पुंछ जिले की सीमा के आसपास ही ये थाना मंडी क्षेत्र है। वहां पर दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से एक इनपुट था कि क्षेत्र में आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, इसलिए कल रात्रि से ही वहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा था और आज शाम को वहां पर जो सुरक्षा बल है वो आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल हुए थे और एक एनकाउंटर होता है। लेकिन उसी बीच अचानक से सेना की जो 2 गाड़ियां थी उन पर एक तरह से एम्बुश किया जाता है और आतंकवादियों ने उस पर धड़ाधड़ फायरिंग की सेना की 2 गाड़ियों पर। दुर्भाग्य से इसमें हमारे जो 3 सैनिक हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं जबकि 3 अन्य सैनिक जो है जख्मी हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया है उपचार के लिए। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अब रात हो चुकी है, इसलिए कॉर्डन लगाया गया है और सुबह होते ही उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर वहां पर भीषण एनकाउंटर होगा। आतंकी जंगल के इलाके में छिपे हुए, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहां पर सड़क भी ठीक तरह की नहीं है तो वहां पर पहुंचना भी काफी दुर्गम है। तो एनकाउंटर जो है अभी शाम तक जारी था, फिलहाल वहां पर पूरी तरह से कॉर्डन लगाया गया है। अभी पिछले महीने ही हम सब ने देखा था राजौरी जिले के कालाकोट में किस तरह से ऑपरेशन चला था सुरक्षा बलों और लश्कर ए तैयबा के जो आतंकवादी थे उनके बीच, और उसके बाद टॉप कमांडर सहित एक आतंकी को मार भी गिराया गया था। इस ऑपरेशन में 2 अफसर 3 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद राजौरी में आतंकवादियों की ओर से लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, अगर हम नजर डालें तो। अब हमारी सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, ये आतंकवादी कहां से आए थे, इनके बारे में क्या और डिटेल जानकारी मिल पाई है? चित्रा, जो आपने जिस एनकाउंटर की बात की यहाँ पर कालाकोट क्षेत्र में जो राजौरी जिले में था, उसके बाद भी जो सुरक्षा बलों के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी है कि इस क्षेत्र में दोनों जिलों में राजौरी और पुंछ जिलों में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है नियंत्रण रेखा से सटे हुए हैं, यहाँ पर 15 से 20 आतंकवादियों की संभावना है कि वो जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं और ज्यादातर इनमें जो है पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और ये कब घुसपैठ करके आए हैं वो अभी पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में अभी भी 15 से 20 आतंकवादी छिपे हुए हैं इस पहाड़ी क्षेत्र में, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए क्योंकि ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, मौसम भी खराब रहता है, कई बार वहां पर विजिबिलिटी भी काफी कम रहती है। तो ये दोनों जिलों में जो आतंकवाद एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है ये काफी बड़ी चुनौती साबित हो रही है सुरक्षा बलों के लिए। यकीनन, और जिस तरह से वहां पर जंगलों की बनावट है, बड़ी प्राकृतिक गुफाएं भी हैं,
चट्टाने हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आपको बता दें सेना की गाड़ी को किस तरह से आतंकवादियों ने निशाना बनाया है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी पर हमला हुआ जिसके कारण हमारे तीन जवानों की शहादत की खबर सामने आई है और तीन जवान घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में लेकर जाया गया है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए आप। जी बिल्कुल चित्रा, ये आर्मी की एक जिप्सी है और चूंकि इस क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान चल रहा था कल शाम से ही, तो इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों की मूवमेंट चल रही थी। और जैसा कि हमने पिछले आतंकी हमलों में भी देखा है और पिछले एनकाउंटर्स में भी देखा है कि आतंकी किसी एक विशेष स्थान पर छिपे रहते हैं और जब सुरक्षा बल वहां पहुंचते हैं अचानक से वो उन पर हमला कर देते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, एक एम्बुश लगाया गया और दुर्भाग्य से इस आतंकी हमले में हमने अपने तीन सैनिकों को खो दिया है, वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं जबकि तीन अन्य इसमें जख्मी हुए हैं। और अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं भारतीय सेना की और साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उसके भी वहां जवान पूरी तरह से तैनात है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, कॉर्डन लगाया गया है और क्योंकि अभी रात हो चुकी है इसीलिए उस स्थान पर जाना खतरे से खाली नहीं होता है क्योंकि अंधेरे का कई बार जो आतंकवादी है उसका यूज करके और हमले कर देते हैं, इसलिए और जाने ना जाए इसलिए बेहतर होता है कि अंधेरे में जब अंधेरा हो जाता है तब कॉर्डन लगाया जाता है ताकि आतंकी वहां से भाग ना पाए और जैसी ही सुबह होती है वहां पर एनकाउंटर दोबारा से शुरू होगा। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजौरी की। देखिए इस वक्त की तस्वीरें हैं वहां पर, चूंकि अंधेरा हो चुका है लेकिन किस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, तमाम और जवानों की वहां पर मुस्तैदी बढ़ाई गई है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, इसी गाड़ी पर आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। आप सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे और जानकारी इसके बारे में वो इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है लेकिन हमारे तीन जवानों की शहादत हुई है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इससे जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।